कहिए नेताजी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। कुल 50% वार्ड महिलाओं के आरक्षित है और इसके लिए ही सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी बचा पाएगी कुंभा, क्या चलेगी आपकी झाड़ू, या फिर क्या कांग्रेस को मिलेगा जनता का हाथ। तो आज हम आपको ले चलते हैं दक्षिण दिल्ली के कालका जी वार्ड पे। तो कहिए नेताजी में हमारे साथ 3 देवियां मौजूद हैं। बीजेपी से है पार्षद उम्मीदवार, आपको बता दें कि 3 देवियां हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द ही। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल्द ही एमएससीडी चुनाव को लेकर जो घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कुल 50% अगर वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और इसके लिए ही सभी दलों ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। अगर बीजेपी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो सब एक दूसरे पर हमलावर होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या होने वाला है दिल्ली एमसीडी चुनाव में और लोग किसको पसंद करेंगे, क्योंकि लोग जो है, जनता जो है, साफ तौर पर काम देखना चाहती है। अगर काम सही किया गया है तो जनता उसी पार्षद को चुनेगी। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। तो आपको बता दें कि कुल 50% वार्ड जो है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर महिलाओं को आगे लाने की लगातार भागीदारी जो उनकी रहेगी वो साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है और इसके लिए सभी दलों ने जो तैयारियां हैं वो शुरू भी कर दी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार पलटवार करती हुई भी नजर आ रही है। वहीं अगर बात कर ले लुभाने की जनता को, तो लुभाने की कवायद भी लगातार जारी है और जनता को लुभाने के लिए जो कि झोपड़ी हटाकर वहां पर घर देने की भी बात की जा रही है। अगर बात की जाए अभी फिलहाल की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी वहां पर करके हटा के और वहां पर फ्लैट की बात भी कही। और इसके साथ ही आपको बता दें सवाल वही उठ रहा है कि बीजेपी कुंभा अपना बचा पाएगी, क्या आपकी झाड़ू चलेगी, या कांग्रेस को जनता का हाथ मिलेगा। तो एमसीडी चुनाव को लेकर जो घमासान है वो लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम के ही 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और कुल जो 50% वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो सवाल वही है, फिर से वही सवाल है कि बीजेपी बचा पाएगी कुंभा, क्या चलेगी आपकी झाड़ू, या फिर क्या कांग्रेस को मिलेगा जनता का हाथ। तो आज हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण दिल्ली के कालका जी वार्ड में। तो कहिए नेताजी में हमारे साथ 3 देवियां मौजूद हैं। बीजेपी से पार्षद उम्मीदवार ज्योत्सना गोगिया हैं और पार्षद उम्मीदवार पूनम सिंह हैं और इसके साथ ही आप पार्षद उम्मीदवार शिवानी चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे उम्मीदवार ज्योत्सना गोगिया से पास आना चाहूंगी और सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि कालका जी विधानसभा वार्ड में सिख समुदाय की राजनीति का बोलबाला है। हर वार्ड में ही 55 से 60 हजार मतदाता जो हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे और क्यों जाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कालका जी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कालका जी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जितने यहाँ पर आज की डेट में लोग रह रहे हैं वो हर पार्टी से परिपक्व हैं कि किस पार्टी ने कितना काम एमसीडी में या कोरोना काल में लोगों की सहायता करी है। जितने आज आपको होर्डिंग पोस्टर पे जितने दिख रहे हैं कि आज कैंडिडेट्स हैं, क्या ऐसे कैंडिडेट्स दूसरी पार्टी के तब क्यों नहीं दिखे जब कोरोना काल में समस्या में लोगों को उनकी जरूरत थी। जी, और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कालका जी इलाके में झुग्गी झोपड़ी वालों को 3024 फ्लैट की चाबियां सौंपी हैं, क्या इस कदम से दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकेगा। बिल्कुल मिलेगा, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और जहां झुग्गी वहां मकान का जो वादा उन्होंने किया था, तो वो झूठे वादे ना करके
सच्चाई की राह पर चलते हैं, सेवा ही संगठन है। जी, हमारे साथ और आप जो पार्षद उम्मीदवार शिवानी चौहान भी जुड़ी हुई है। शिवानी, जिस तरह से बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि फायदा मिलेगा, नमस्ते तो जी। इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, कालका जी के क्षेत्र में मैं इतने दिनों से घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा कोई भी आसान नहीं दिखता कि इस बार यहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी। क्योंकि कालका जी के जितने भी निवासी हैं वो बीजेपी जब से एमसीडी में आई है उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करके दिखाया। और बात रही यहाँ के अपने कॉलोनीज के, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि एमसीडी ने इन 5 सालों में क्या क्या काम करा है। और यहाँ पे बकायदा लोग भी आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी के जो काउंसलर हैं वो उनके कैसे उनके साथ खड़े रहे हैं। ये गोगिया जी बता रही हैं कि कोरोना काल में साथ खड़े रहे हैं। कोरोना काल में जितने भी यहाँ पे जितनी भी सैनिटेशन का काम करवाया है, वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगा है, तो हमारी जो विधायिका है एमएलए आतिशी सिंह जी, वो पूरे कोरोना काल में अपने निवासियों के साथ खड़ी रही हैं और उन्होंने उनका साथ दिया है। इसी दौरान उनको कोरोना भी हुआ था पर वो कभी पीछे नहीं हटे इस चीज के लिए। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं, जनता चुनेगी कि कौन सही पार्षद है और किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। जरूर राजनीति का जो बोलबाला है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर सिख समुदाय भी देखा जाता है, सिख समुदाय की यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज्यादा मानी जाती है, तो इसका असर कितना देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पे सिख समुदाय है पर पहले यहाँ पे जैसे गोगिया जी बोल रही हैं ये बीजेपी का गढ़ था, ये था, अब नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट लोगों को यही नहीं पता कि भाई इनकी काउंसलर कौन रही है, किसी को नाम भी नहीं पता। मैं तो इनसे एक बार नाम पूछना चाहूंगी, अगर आपको एक बार नाम पता है तो आप प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि यहाँ की कौन पार्षद रही है, उनका क्या नाम था। जी गोगिया जी आप देखिए बता सकते हैं? देखिए, ये मनप्रीत कौर कालरा जो कि आज हमारी निगम पार्षद रही हैं, अकाली दल से थी और गठबंधन था और बीजेपी के सिंबल पे लड़ी हैं, और इनके जी जी हस्बैंड हरमीत सिंह कालका जी 60 दिनों के लिए एमएलए भी बने थे। मैं बताना चाहूंगी आपको शिवानी जी जी कि जी आपका राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट हुआ, कब से नहीं, और चंद दिनों में आपने 2-4-6 महीनों के अंदर जो आप घूमकर राजनीति करके दिखा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी इनसे कि ये बताएं, क्या आतिशी जी जीती हुई प्रत्याशी हैं और उसके बावजूद विधानसभा में उतने उन लोगों ने कितने मोहल्ला गोगिया जी, क्लिनिक खोले हमारे साथ हैं, पूनम भी जुड़ी हुई कितनी है, लोगों पूनम की भी अपनी उन्होंने बात रखना गोगिया जी चाहेंगी। उगवाई है, पूनम कितनी जी, पेंशन पूनम जी जी बात जिस से तरह आतिशी से जिस उगवाई तरह है। से लेकिन बताया जा रहा अगर है कि उनका काम गोगिया जी चलेगा, यहाँ हमारी पे जनता रहे हैं, चुनेगी, यहाँ जनता मेरे अपना पार्षद पॉलिटिकल चुनेगी, करियर बस की मुझे बात नहीं बताया है, कि क्या मैं रैंकिंग कालका आपने जी किया है से, और उन्होंने मैं कालका कोरोना जी काल में के 23 साल अंदर से करा रह रही है। हूँ, मैं आप कालका जी में अगर 23 साल से रह रही हूँ, ज्योत्सना विधायिका ने इतने जी, काम करे हैं तो पूनम क्यों जी को भी विधायिका के अपनी बात ऑफिस से रख लेने मार, दीजिए। तो क्यों विधायिका ऑफिस के अंदर मारपीट होती है, जो लोग गोगिया कंप्लेन जी कर रही यहाँ हैं? पे पूनम जी को भी आप एक अपनी बार बात जाके रखने देखिए, दे आप दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही आप है, आप एक बार ये मोहल्ला बताइए, क्लिनिक जाके विधायिका देखिए, ऑफिस के आप अंदर सुधार अंदर कैंप कानून सर्वोदय के कैंप के लिए लोगों लोगों के से साथ पूछिए हाथापाई क्यों कि होती है, उनको इस चीज कितनी का जवाब राहत दीजिए। मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक की, जोत्सना जी, उनको कितनी शिवानी राहत मिल रही है जी, मोहल्ला शिवानी क्लिनिक जी, की। शिवानी जी, कृपया करके पूनम जी को भी आप अपनी बात रखने दीजिए। मुझे पता है आप तीन देवियां यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी बात जरूर रखेंगी और सबको मौका मिलना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है और जनता को भी ऐसा लगता है। तो पूनम जी आप बताइए, पार्षद जो है वो चुना जाएगा, लेकिन नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। अब ये बताइए आप कि जनता किस राय पे, किस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और उस पार्षद को चुने जो उनके लिए काम करेगा। सबसे बात तो मैं कहना चाहूंगी, 15 साल पहले जो कांग्रेस की राज थी उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, और अकाली से जो पिछले बार मनप्रीत कौर जी जो पार्षद रही, जीतने के बाद कोई ग्राउंड पे नहीं आई है, और जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि काम करती है, उनका भी कोई काम कहीं नहीं दिख रहा। सारी गोविंदपुरी गली, कालका जी का जो पार्किंग की इशू है, ट्रैफिक इशू है, सफाई की है, बहुत सारी समस्या, पूनम मुझे जी लगता है आज पार्किंग तक पार्किंग स्लॉट वगैरह ये एमसीडी के अंडर आता है। कोई नहीं काम था, बट मुझे बताना है ना, आपने अतिशी जी का नाम लिया तो मैं उनके अकॉर्डिंग में बोलूंगी। और रही बात है, किसी भी मुद्दे पे आज तक तो कोई भी बुनियादी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, चाहे कोई भी आज कह रहे हैं, लेकिन आज तक मैं 15 सालों से देख रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ है।
ऐसे हमारे कालकाजी क्षेत्र में भी कूड़े का कोई समाधान नहीं हुआ। एक जब यहाँ बात पे बताइए, एमएलए थे किसी ने, आप कूड़े के ऊपर पब्लिक को गुमराह कर रही हैं शिवानी जी। एक बात नहीं बताइए, जी हम बिल्कुल नहीं घुमा ये कूड़ा रहे, कहाँ हम से आया? बिल्कुल कभी नहीं घुमा आपने रहे कोगिया सोचा जी। ये यहाँ पे, यहाँ पे लोग देखिए, जहाँ रेसिडेंस वाले रहेंगे वो कूड़ा करेंगे, कूड़े को मैनेज करना, उनको सिबली रखना, वो एमसीडी का काम है। वो जनता नहीं देखेगी, जगह जगह अगर आप कूड़े का भंडार लगाएंगे, आप लोगों की हेल्थ को नहीं देख रहे हो, आप तो उनकी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। कैसे सॉल्व किया जाए? और आप तो उनको मारना चाह रहे हो। वो गंदगी नहीं चाहती है, अच्छे घर चाहती है, और नाले जो गंदगी नाले हैं, कीड़े हैं, और उससे बीमारियां जो फैल रही हैं, वो नहीं चाहती है, साफ सफाई चाहती है, उनको भी अधिकार है अच्छे से रहने का। और क्या? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो कूड़े के ढेर को लेकर के पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, क्या इनको कूड़े से इतनी बीमारियां नजर आ रही हैं जो पब्लिक को? क्यों नहीं नजर आती बीमारियां? क्यों नहीं होगी? इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े कर रखे आपने पब्लिक को, वहां पे जो लोग रहते हैं, जो गंदा पानी दिया जा रहा है, क्या उस पानी से लोगों को बीमारियां लगी या कूड़ा इकट्ठा करने से बीमारियां? आप एक बार आके देखिए वहाँ पे, हमारे क्षेत्र में जो सारी पानी की लाइन बदली गई है, जो इतने 30-35 साल से किसी ने नहीं बदली, अब अभी यहाँ पे कोई काम करने जा रहा है? उन गलियों को बनाती क्यों नहीं गए आतिशी जी? क्यों नहीं? जब जब आम आदमी पार्टी ने, जब आम आदमी पार्टी ने अपना बजट सैंक्शन करा था, एमसीडी से बात करी थी कि भाई आप आके हमारे साथ गलियां बनाए, तो एमसीडी ने मना कर दिया था। किस लिए? कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। रोकेंगे तो एमसीडी आपके साथ क्यों खड़ी होगी? आप लोगों के, आपके पास तो भाई एक्सक्यूज है कि आपका पैसा रोका हुआ है। इनके पास बजट नहीं है, बीजेपी के पास बजट नहीं है। बजट, आप बजट की बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद है हमारे कालका जी के, वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और यहाँ पे आप बजट का इशू बना के खड़े हो जाते हैं। कूड़े हटाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं होता है। जब हम इनके एमसीडी ऑफिस में जाते हैं, इनके ये बोलते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, पर जिस दिन जहाँ पे हमें प्रदर्शन करना होता है, से एक दिन पहले ये लोग गाड़ियां लगा देते हैं। पता नहीं कौन इनको चेक काट के दे देता है एक दिन की, भाई जाइए कूड़ा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। कूड़ा तो लोगों के घर का ही होगा ना, मैनेज करना आपको। आपको बात कर रही है कि लोगों को बीमारियां लग रही हैं, एक के साथ एक लोगों को बीमारियां लग रही है। आप एक कालका पार्क के सामने कूड़े का भंडार रखेंगे, जहाँ पे लोग अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए आते, योगा करते हैं, आप कूड़े का अपनी फ्रेश एयर के लिए आते, आपने तो पूरा एनवायरमेंट प्रदूषित कर रखा है। लोगों के घर से इकट्ठा कर हुआ माल भी गए कहीं, यहाँ ढेर नहीं लगा। आप दिखाइए ना इनकी फोटो, वहाँ से रोज आप लोग मैनेज क्यों नहीं करते? गली गली में आपको कूड़ा छुपा रहता है। आप कूड़े की बात करते हैं, मैं बताती हूँ, हमारे कालका जी क्षेत्र में सीनियर सिटीजन का, जब आम आदमी पार्टी ने बजट सैंक्शन करा था, उसको तोड़ दिया था, फिर एमसीडी बीच में आके वही बोलिए कि आपने एनओसी क्यों नहीं दिया? आज वो सारे वादा पे कभी नहीं खरा उतरे, बेटा पेंशन हो। अगर आपको सीनियर सिटीजन की इतनी दिक्कत आ रही है कि उनके लिए आप सेवा करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आते उनकी पेंशन लगवाती? बोलिए ना अपने विधायक से, क्यों नहीं दिक्कत? हमें करने का देती है? आपने उनके उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, उनके लिए जगह नहीं छोड़ी है? सीनियर सिटीजन से जाके पूछिए, आप सीनियर सिटीजन से जाके पूछिए, उन्होंने आपने उनके सीने के टाल कर रखा है। क्यों नहीं आती थी मिलती है लोगों से? सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए बाहर आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने कॉलोनी का हाल क्यों नहीं देखते हैं? आप अपनी रोड का हाल क्यों नहीं देखते? आपकी पोस्ट ऑफिस की रोड थी, आपने इतने सालों से, 15 साल से वो नहीं बनी। आज 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 आम आदमी पार्टी की विधायक अपने एमएलए एमएलए फंड से आके, एमएलए एमएलए अपने फंड से आके रोड बनाती है। आपको हर चीज में प्रॉब्लम होती है, बीजेपी को हर चीज में प्रॉब्लम होती है, हमारी एमसीडी को हर चीज में प्रॉब्लम है। सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए। वो कह रही है कि बीजेपी को हर चीज में दिक्कत होती है, तो इसको लेकर आप अपनी बात रखिए ना, एक एक करके बात करिए, ताकि जनता को भी समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे खिचड़ी मत पकाइए कि जनता को समझ ही ना आए कि बात क्या हो रही है।
मैं तो सिर्फ शिवानी जी से इतना बोलना चाह रही हूँ कि चुनावी राजनीति में विधायिका जी दिखती हैं, जब लोगों को उनसे संपर्क करना होता है तो क्यों उनके ऑफिस में मारपीट की एफआईआर होती है, ऐसा क्यों? आप जी शिवानी जी, विधायिका जी, विधायिका जी, हमारी कालकर जी की विधायिका जी हर एक एक गली में गई है। आपकी काउंसलर यहाँ पे, आपकी काउंसलर, वेट वेट वेट, आप संपर्क की बात कर रहे हैं ना, आप संपर्क की बात कर रहे हैं ना, आप मेरी बात सुनिए, एक सवाल करना चाहूंगी, आपकी जो काउंसलर है वो कहीं पे भी नहीं आई है, जितना विधायिका जी इतने सालों में हर एक क्षेत्र में दिखी है, इतना तो बीजेपी का कोई भी लीडर, कोई भी काउंसलर दिखाई नहीं है। शिवानी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, कि जब लोगों को विधायिका की जरूरत होती है तब वो क्यों नहीं मिलती हैं, तब क्यों मारपीट की एफआईआर क्यों होती है उनके ऑफिस में? सिर्फ चुनाव हमारी विधायिका हर गली में मिलती है, वो चुनाव अगर के समय आप लोग आगे, आप लोग ही नहीं, आप लोग आगे क्षेत्र में होते ही नहीं हो, आप देखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारी विधायिका हर एक गली में मिलती है, हर एक क्षेत्र में मिलती है, हर जगह मिलती है, कोई भी उनकी समस्या होती है सारी हल होती है। आपकी पार्षदाएं, आपकी पार्षदाएं, आपकी पार्षदाएं जब पब्लिक रोड से, भाई रोड में इतने गड्ढे हैं उससे उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, कूड़े से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आपकी पार्षद कहाँ है? पांच सालों में आपकी पार्षद कहाँ दिखी है, मुझे ये बताइए। आप ये बताइए कितने लोग कूड़े से संक्रमित हो गए भाई, मुझे आप नाम दीजिए जरा। आप सर्वोदय कैंप जाइए, आप सर्वोदय कैंप गए हैं कभी? आप सुधार कैंप गए हैं कभी? अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं हम, गुमराह नहीं कर रहे, हम गुमराह नहीं कर रहे, हम सच्चाई लेके आ रहे हैं लोगों के सामने। आपका काम ही यही है। आप लोगों ने कितनी पीडब्ल्यूडी रोड्स बना दी अब तक, पीडब्ल्यूडी रोड जाके देखिए आप, उसमें अगर आपको एक भी गड्ढा मिल जाए तो, या उसके सारे पेड़ से सारी कटिंग होती है। आप अपनी रोड के बारे में बताइए ना, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस रोड के बारे में आपने क्या करा? मैं बताती हूँ ना, पोस्ट ऑफिस की रोड जो 15 सालों में बनी नहीं, पोस्ट ऑफिस की रोड जो 15 सालों में बनी नहीं, एमएलए लाड फंड से उसका फंड सैंक्शन करके वो रोड बनाई गई, क्योंकि वो रोड पीडब्ल्यूडी के अंडर में थी और आतिशी ने जब बनाने से पहले बोल दिया जी ये एमसीडी के अंडर आती है, जब चुनाव पास आया तो आतिशी ने वही रोड बना दी। आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, जो जो विधायक, जो विधायक एमसीडी की रोड बना सकता है, जो विधायक एमसीडी की अपनी तीन तीन रोड बना सकता है, पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, आर ब्लॉक की रोड पीछे से पूरी खराब है, आप अगर जाएंगे तो आर ब्लॉक की रोड जो कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, क्यों? चुनाव जब जैसे ही चुनाव सिर पे आएंगे तब आप वो रोड बनाएंगे, तब आपके पास फंड भी आ जाएगा, उससे पहले आप तो अच्छा, आप लोग चुनाव का लेके आ रहे हो, आप चुनाव का लेके आ रहे हो गोगिया जी, आप चुनाव का लेके आ रहे हो, ये बताओ कि मेरा भी जो पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है वो 3-4 साल पहले से हो गया, जितनी बार मैं लोगों के बीच में गई उतनी बार तो आप लोग भी नहीं दिखे हो। शिवानी जी मैं आपसे जितनी बार आतिशी, जितनी बार आतिशी जी लोगों के बीच में दिखी है उतनी बार आप में से कोई एक बंदा भी नहीं दिखा मेरे को, और जो एमएलए एमसीडी की रोड बनवा सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की बात करके ना यहाँ पे प्लीज टाइम वेस्ट करिए। आम आदमी पार्टी इतना पसंद भी नहीं कर रहे थे लोग, जो मैं राशन खाना बांटी। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, आप पूनम जी, पूनम जी की भी बात सुन लीजिए, वो भी कुछ कहना चाह रही, अपनी बात रख रही है। पूनम जी बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। लोगों को कच्चा राशन दी हूँ, घर घर पहुँचा, जो खुद कह रहे थे मेरे बच्चे ना आम आदमी पार्टी की खिचड़ी नहीं पसंद करते, आपका खाना पसंद करते, जितना हुआ मैं लोगों के लिए की ना, मैं उस पार्टी में थी ना मेरे पास कोई पावर था, तब भी मैं की, जिसके पास पावर था वो आराम से घर में बैठ रहे थे कोरोना के टाइम में। देखो पर्सनल समाज सेवा तो सबकी चलती है, हम भी करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप लास्ट टाइम आप 30 से खड़ी हुई थी, आपके आपके पास कितने वोट आए थे, आप जरा एक बार बता सकते हैं?
उससे ज्यादा तो जो हम खड़े हुए थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने वोट गेन कर की लिए बात थे। छोड़ दो ना, पब्लिक किसको पसंद कर रही है, वो तो अभी आने वाले चुनाव में पता पब्लिक चल भाई जाएगा। पब्लिक पब्लिक आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। आप लोगों के बीच में जाके पूछिए, पब्लिक पब्लिक आम आदमी को पसंद करती है। 4 तारीख को जब 4 तारीख को 4 तारीख को जब चुनाव का दिन होगा, उस दिन कालका जी का एक एक मेंबर आपको बता देगा कि वो किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं। और पूनम जी आप तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन काम का जो लिस्ट है 0 है। हाँ 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 जरूर जरूर जरूर, वो तो एमसीडी वालों के लिए तो बोलना ही चाहिए हमें। अरे गुड़िया जी, आप अपनी आप पीडब्ल्यू आप ये देखिए ना, एमसीडी ने क्या काम करा हमारे क्षेत्र में, रोड बना दी, क्या सफाई कर दी, क्या पार्क मेंटेन कर दिए, या टी की कटिंग कर दी। आप मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना, हम तो आम आदमी पार्टी तो काम कर रही है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आपके पास समय बीजेपी ने क्या काम करा है। एक बात लिसन, एक बात आप बोल रहे हैं एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है। एक सेकंड पूनम जी, एक सेकंड, आप शिवानी जी आप बोल रहे हैं एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है। आप मुझे ये बताइए कि अभी चुनाव आते आते आप लोगों ने पूरी कालका जी होर्डिंग पोस्टर से पोतने के अलावा क्या काम किया। अच्छा आप लोगों के तो होर्डिंग पोस्टर रहे ही नहीं बीजेपी के। जवाब एक बार कालका जी में निकले, आप कालका जी में कालका जी में निकले एक बार, आपको दिखाई देगा किसके होर्डिंग पोस्टर है। इसके अलावा और कुछ नहीं, दिखावा वो सब लोग जानते हैं कौन दिखावा करता है, बोलने की राजनीति कौन करता है और काम की राजनीति। होर्डिंग पोस्टर का जो गंदगी हो रही है वो नहीं दिख रही है, जो होर्डिंग पोस्टर से आप इतने गंदी कर रहे हैं, नहीं दिख रही है। क्या बातचीत हो रही है, जनता को ऐसे समझ नहीं आएगा। आप अपनी अपनी बात रख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ जनता को समझ नहीं आएगा। आप एक एक करके अपनी बात रखिए, एक से सवाल कीजिए, दूसरा जवाब देगा, ऐसे कीजिए ना। आप खिचड़ी मत पकाइए, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। आप जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। आप बोल रही है कि काम नहीं किया है, ठीक है। शिवानी जी को आपने कहा कि काम नहीं किया है, उम्मीदवार आप उम्मीदवार ने काम नहीं किया है, और शिवानी जी कह रही है कि बजट नहीं होता है, तो इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर 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 आतिशी जी के पास फंड नहीं होता है तो चुनाव आते आते ये कैसे एमसीडी की रोड पे भी पैचिंग करना शुरू कर देती है। जी जी शिवानी जी बताइए। अरे गोगिया जी, जब हम एमसीडी का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा कि एमसीडी का काम हुआ जा रहा है। यहाँ पे जब एमसीडी की वो रोड बनाने के लिए बोला गया 15 सालों से जो नहीं बनी थी, उसकी कंडीशन इतनी खराब थी, वहां पे काफी लोगों के एक्सीडेंट भी हुए, तब में से तब उस टाइम पे बीजेपी का कोई भी लीडर उठ के नहीं आया, ना किसी ने वो रोड देखी। जब आतिशी जी ने अपने एमएलए लैंड फंड से उस रोड को बनवाया, तब इन सबको बहुत प्रॉब्लम होने लग गई। और आप काम की बात कर रहे हैं तो आदिशी जी ने आर ब्लॉक की पीडब्ल्यूडी की रोड क्यों छोड़ दी फिर। सॉरी, आदिशी जी ने आर ब्लॉक की पीडब्ल्यूडी रोड क्यों छोड़ दी, बनवा देना फिर। हेलो हेलो, आदिशी जी ने आर ब्लॉक की पीडब्ल्यूडी क्यों रोड छोड़ दी। आर ब्लॉक की रोड कौन बनाएगा, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती है। आप अपनी बताइए ना गुग्गा जी, आपने पूरे कालका जी में गोविंदपुरी में कोई भी रोड नहीं बनाई है। आपका पूरा ध्यान एमसीडी में है, पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है ये बताइए। अभी तक आतिशी जो आतिशी जी इस बार जबकि विधायक बनी है, इतना जो काम हुआ है ना, आज तक किसी लीडर ने आके कोई इतना काम नहीं करा है। आप अपनी बात बताइए ना, आपने क्या काम करा है, आपकी मनप्रीत कौर ने क्या काम करा है, आपकी काउंसिल ने क्या काम करा है। इतना काम हुआ कि बुजुर्गों की पेंशन आप अपनी रिपोर्ट कर रही थी, सारी पेंशन चल रही है बुजुर्गों की। आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए ना, आपकी अपनी एमसीडी स्कूल की बात करिए ना, आपकी अपनी एमसीडी स्कूल की बात करिए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आपने क्या करा है 5 साल में। आपका ध्यान कूड़े में है भाई, आपका ध्यान तो हमारा ध्यान कूड़े में नहीं, हमारा ध्यान कूड़े में भी है, सड़क पे भी है, पार्क में भी है, पेड़ों की कटाई में भी है, एमसीडी स्कूल में भी है। आपने कितने नए स्कूल खोल दिए, कितने नए हॉस्पिटल खोल दिए। आप पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए ना, आप एक बार गवर्नमेंट स्कूल में आपने कभी विजिट भी करा है।
आपने देखा है, आपने एनसीडी स्कूल की कंडीशन देखी है? अगर आज स्कूल देखिए, आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ छूटते ही बोला जाता है जी ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन कहते हैं जी साइट में, वो तो हो सही बात है, बच्चे ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे सबको चांस मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पैसे देके जो बोलोगे, पैसे देके बोलोगे तो पैसे देके बोलोगे कि हमारी करवा दो, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं चलता मैम, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलता। यहाँ पे आप ऑनलाइन करो, जिसका नंबर आएगा उसका एडमिशन होगा, यहाँ पे आप जिसका नंबर आएगा उसका। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब देखिए जनता उसी को चुनेगी जो काम कर चुका है और जो काम करना चाहता है और जो काम करेगा, जनता उसी को चुनेगी। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिबेट में पूरा साथ देने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बिगुल जो है वो बच चुका है और दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन मतदान होगा, नतीजे वही आएंगे जो जनता चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए, धन्यवाद।